भारतीय शूरवीरों से डरा चीन, पाकिस्तानी आतंकियों के सहारे तुर्की के रडार से घुसपैठ करेगा पाकिस्तान। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं सिक्किम, और इन सब के बीच सैटेलाइट इमेजेस से कहां पर पकड़ी गई चीन की चोरी। चीन पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता है और इसको लेकर हमने हमेशा प्रयास किया है, लेकिन हमारे जवानों ने सीमाओं की रक्षा के लिए समय समय पर कुर्बानी दी। दो दिन के दार्जिलिंग दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। भारत के खिलाफ चीन अब पाकिस्तान के आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत में आतंक फैलाने के लिए चीन काफी समय से हथियार बेच रहा है। चीन को लगता है कि भारत से सीधे युद्ध में टकराना मुश्किल है, ऐसे में ड्रैगन ने प्रॉक्सी वॉर के लिए आतंक का रास्ता चुना है। आंतरिक विद्रोह छिपाने के लिए पाकिस्तान अब भारत पर हमले की फिराक में है। आतंकी हमलों के लिए तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश आतंकियों की मदद के लिए तुर्की से खास रडार लेने की है। कश्मीर प्लान फेल होने से इमरान बाजवा की जोड़ी बौखलाई हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख एमएम नरवणे दो दिन के दार्जिलिंग दौरे पर सुगना कार्प के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। वहां रक्षा मंत्री बोले कि गलवान में हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। देश और सीमाएं आपके चलते ही सुरक्षित हैं। पाकिस्तान एक तरफ भूखमरी की कगार पर है और दूसरी तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध की सनक सवार है। इसी के चलते पाकिस्तान ने चीन से हथियारों की लेटेस्ट डील की है। पाकिस्तान अब चीन से दुनिया का सबसे घातक रॉकेट MLRS A300 खरीदेगा। पाकिस्तान लंबी दूरी के इस रॉकेट सिस्टम को LOC पर तैनात करना चाहता है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। चीन ने गीदड़ भभकी दी है कि अगर अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचे तो चाइनीज आर्मी पलटवार करेगी। धमकी के बाद चीन की सेना ने साउथ चाइना सी में भी युद्धाभ्यास किया है। चीन की इस धमकी के बाद अमेरिका भी मुस्तैद हो गया है। पेरिस में FATF की मीटिंग में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट से तो बच गया, लेकिन पाकिस्तान 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा क्योंकि पाकिस्तान FATF के 6 मापदंडों को पूरा नहीं कर पाया। इस बार FATF में चीन और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। जमीन हड़पने में माहिर चीन वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। अब ड्रैगन ने तिब्बत बॉर्डर पर नए बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई हिमाकत का पता चला है। चीन ने इस इलाके में नया एयरपोर्ट भी बनाया है। कश्मीर के पुंछ जिले में सांबा सेक्टर और देवगार सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान ने कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की इस हिमाकत का हिंदुस्तान के शूरवीरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया, जबकि 2 पाकिस्तानी रेंजर घायल हुए हैं। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।